हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 365 चैनल पे आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। LNMU पार्ट वन एडमिशन का सेकंड मेरिट लिस्ट घोषित हो गया है, जो कि मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले इस चैनल को 365 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को बजाना न भूलें। तो चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले चलते हैं, गूगल पे जाके न्यूज़ पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग रिजल्ट भारत सर्च करेंगे। रिजल्ट भारत सर्च करने के बाद रिजल्ट भारत पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट भारत पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप, रिजल्ट भारत के जस्ट लेफ्ट साइड में जो है लिखा हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है, जिसमें LNMU ग्रेजुएशन UG सेकेंड मेरिट लिस्ट 2022-25 का रिजल्ट, सॉरी सेकेंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड हो गया है। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जो ही हम क्लिक करेंगे ठीक है, उसके बाद जो है, मतलब कहने का मतलब है, जो 26 जून 2022 से लेके 10 अगस्त 2022 तक जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया होगा, उन लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आ गया है। और यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले का एडमिशन हो चुका है और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले का जो है एडमिशन के लिए जो है नाम घोषित हो गया है, तो हम सबसे पहले इसको कैसे जाने, जो कैसे खुलेगा, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। तो हम यहाँ पर आएंगे, रिजल्ट भारत में तो बताए थे आपको, रिजल्ट भारत गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है, उसके बाद जो है रिजल्ट भारत को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है जस्ट लेफ्ट साइड में जो है रिजल्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आने के बाद LNMU UG एडमिशन का जो है एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद जो है उसके जस्ट नीचे आएंगे तो डाउनलोड सेकेंड सेलेक्शन लेटर है। उसमें दो तरह का है, एक है डाउनलोड सेकेंड सेलेक्शन लेटर कॉलेज वाइज है, एक है डाउनलोड सेकेंड सेलेक्शन लेटर है। तो हम डाउनलोड सेलेक्शन लेटर पे जाते हैं, इसको खोलते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ बारी से विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमको एप्लीकेशन आईडी देना है, जो कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा उस समय एक आपको एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर दोनों पर आया होगा। उसके बाद इंटर पासवर्ड आपको मेल आईडी पे भी गया होगा, मोबाइल पर भी गया होगा, आप लोग को याद होगा। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है गेट सेलेक्शन लेटर आएगा। गेट सेलेक्शन लेटर जब पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जो है एक लेटर आएगा, जिसको एनिमेशन लेटर कहते हैं, ठीक है ना, एनिमेशन लेटर कहते हैं। उस लेटर को आपको प्रिंट करके जो है, और जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा उस लेटर को लेके और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ लेके आपको जो है कॉलेज में जाना है, और वहाँ पे जाके जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, मैंने तो एक ये चीज़ बताया था, एक होता है कॉलेज वाइज के भी बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको वो भी बता दूँ, जो कि जैसे कि आपको मेल पे भी आया होगा, अगर आपको जानकारी होगा, जो हमें क्या कहते हैं, जैसे दरभंगा में बहुत सारे कॉलेज हैं, APSM कॉलेज बरौनी बेगूसराय है, और क्या कहते हैं, बेगूसराय में है, दरभंगा है, बेगूसराय है, उसके बाद जो है मधुबनी है। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कुमार सिंह कॉलेज में आपका नाम सेलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो कुमार सिंह कॉलेज के जो पेज है हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, और वहाँ पर क्लिक होने के बाद जो है इस तरह का एक पीडीएफ फाइल आएगा। सपोज दैट मान लीजिए आपका अपने फॉर्म आईडी जो आपने फिलअप किया होगा, उसमें आपको एक फॉर्म आईडी मिला होगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो देख लीजिए, उसके बाद अपना नाम उसमें मिलान कर लीजिए, ठीक है, फादर्स नेम मिलान कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मिलान कर लीजिए, मेल का देख लीजिए, मेल क्या है आपका, सॉरी जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है वो देख लीजिए, कैटेगोरीज, ठीक है, और उसके बाद जो है डोमिसाइल, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, पीएच मतलब एज ए विकलांगता जिसको कहते हैं, मार्क्स आपको कितना परसेंट मार्क्स था, ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम दैट मीन्स कौन सा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो ये जो दिया हुआ है ये साइंस वाले का है, ठीक है, उसके बाद जिसने ऑनर्स पेपर जिसका इंग्लिश होगा उसका होगा ये, ठीक है। तो इसी तरह का जो है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे पास में तो किसी भी स्टूडेंट का तो कोई यूज़र आईडी पासवर्ड तो है नहीं, जो मैं इसे आगे विस्तार में बता सकता हूँ, बट यही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा
जो आप एप्लीकेशन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और गेट सिलेक्शन लेटर, मतलब आपको जब वहाँ पर गेट सिलेक्शन लेटर पर पुश करोगे तो उसके बाद जो है आपके पास में जो है एडमिशन लेटर आपके पास में खुल के आ जाएगा। बस जो मैं बताया हूँ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ आपको बताया है इससे आप लोग को कहीं से भी कोई एडमिशन लेटर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जाएं और पुनः मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या को मैं कमेंट्स के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से जो है, या नहीं होता है तो अपना टेलीफोन नंबर डालें, मैं वहां से मैं आपको टेलीफोनिक के माध्यम से मैं आपको हेल्प करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे किसी तरह का भी वीडियो आता है तो मैं आपको